सो गाइस आपका स्वागत करते हैं आपका चैनल बिमल प्रकाश मिंज में। तो आज मैं बताऊंगा आपको हिब्रू भाषा में एक दो चीज़ें जो हम लोग बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं और इन चीज़ों का वहाँ आदत हो गया है। हिब्रू भाषा मतलब इब्रानी भाषा, मतलब यहूदी भाषा। जो इसराइल में बोला जाने वाला जो भाषा होता है वो हिब्रू भाषा कहलाता है। जैसे हाय शलोम, मतलब यदि आप हाय बोल रहे हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं शलोम, शलोम, SHALOM, शलोम। और मैं को अनी, ANI, अनी। और आपसे मिलके अच्छा लगा, मतलब नईम में ओद, नईम में ओद। थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा अलग, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसको मैं बोलता हूँ, हाय मैं बिमल हूँ और आपसे मिलके अच्छा लगा। शलोम, अनी बिमल, नई में ओद, ऐसे, यानी अनी बिमल, नई में ओद, शलोम। तो ज़्यादातर शलोम का प्रयोग कैसे, कब कब होता है? जब हम लोग कभी मिलते हैं किसी से तो हाय यानी शलोम, और दूसरा कि जब हम लोग मिल लिए, अब हम लोग विदा हो रहे हैं, तब हम लोग शलोम बोल करके भी बाय बाय। अब इन दिनों भी यहूदी लोग भी बाय बाय करने लगे हैं, ये अंग्रेजी उनका प्रयोग में आ गया है, लेकिन शलोम का मतलब हाय भी होता है और शलोम का मतलब बाय भी होता है। इसके बाद यदि आप कहना चाहते हैं कि थैंक यू, तो उसको कहते हैं तोदा, TODA, तोदा। और थैंक यू वेरी मच, तो इसका मतलब होता है, वो लोग कहते हैं तोदा रबा, RABA, रबा, TODA RABA, तोदा रबा। ये है थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। शलोम, अनी बिमल, नई इम ओद, तोदा रबा। एक मज़ेदार बात है कि जब हम लोग कुड़ुख में, कुड़ुख मतलब उराव लोग जो भाषा बोलते हैं, उसमें यदि आप अंक को गिनेंगे 1, 2, 3, 4, तो चार नंबर को हम लोग बोलते हैं चैर, चैर। लेकिन चैर को वो लोग तो उधर क्या बोलते हैं, चार को अरबा। उधर आपस में गाइड लोग और ड्राइवर लोग आपस में बतियाते हैं, या कोई दुकानदार से भी लोग आपस में बतियाते हैं, तो उस समय में उन लोगों को अरबा अरबा ऐसे ऐसे करके बोलता था। तो हम लोग कुड़ुख में सोचते थे, अरे यार अरबा नखर अनर का है रो, ईर का अरबा नखर अनर, तो अरबा अरबा ऐसा, तो अनायास ही मेरे मन में वो सब आता था। ओके अच्छा, उसके बाद आप पूछना चाहेंगे कि गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, शलोम, उन लोग आपस में बोलता था बोकेर तोव, बोकेर तोव, तोव मतलब अच्छा, TOV, तोव मतलब अच्छा, यानी गुड मॉर्निंग मतलब बोकेर तोव, BOKER, बोकेर तोव। और गुड इवनिंग, हाय गुड इवनिंग, एरेव तोव, यानी गुड इवनिंग, EREV, एरेव तोव, TOV, तोव। तो ये प्रयोग करते थे ये लोग हिब्रू में। और उसके बाद में यदि आप बोलते हैं कि जैसे कोई बोला कि थैंक यू तोदा, तो आप तुरंत बोलेंगे बेवकशा, बेवकशा, BEWAKASHA, बेवकशा मतलब वेलकम, वेलकम। यदि कोई आपको कुछ दिया तो आप उसको कहेंगे तोदा, तो वो बदले में कहेगा बेवकशा। जब हम लोग इब्रानी भाषा का बात करते हैं, जब यहूदी भाषा का बात करते हैं, या यहूदी भाषा मतलब हिब्रू भाषा का बात करते हैं, तो एक अपने आप में बहुत अच्छा फीलिंग आता है, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आता है। ये सोच करके नहीं कि आप इसराइल में जाना आना करते हैं, ये सोच करके अच्छा लगता है कि इस भाषा का प्रयोग जीसस करते थे, और मतलब जीसस किस भाषा में बातें करते थे, यही इब्रानी था, मतलब यहूदी भाषा। और बोला जाता है कि दुनिया के सबसे पौराणिक, मतलब सबसे प्राचीनतम जो किताब है, मतलब बाइबल, वो इसी इब्रानी भाषा से लिखा गया था। इसी को बाद में लोगों ने ट्रांसलेट किया अलग अलग दुनिया भर के भाषाओं में, तो अब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं। तो अच्छा लगता है कि जीसस जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसको सीखने का इच्छा करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी के लिए आपको बताने के लिए इतना ही, और आप बने रहिए हमारे चैनल में, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे बात करके अच्छा लगता है। तो चलिए अब देखते हैं
हमारे किचन में क्या पक रहा है।